तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा मोनेटाइजेशन यहाँ पर 7 दिनों में एनेबल कर दिया है यूट्यूब ने। तो ये मुझे कमेंट्स बहुत दिनों से आ रहे थे, भाई तुम्हारा मोनेटाइजेशन यूट्यूब ने 7 दिनों में कैसे एनेबल कर दिया, क्या तुमने सेटिंग की थी वो मुझे बताओ। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा यूट्यूब ने मेरा मोनेटाइजेशन इतनी जल्दी कैसे एनेबल किया, मैंने किस तरह अप्लाई किया मोनेटाइजेशन के लिए, क्या वो सेटिंग की थी जिससे मेरा मोनेटाइजेशन इतनी जल्दी एनेबल हो गया। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं आपका हमारा मनपसंद यूट्यूब चैनल टेक्निकल बदानी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, मैंने 11 फरवरी को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था करीबन 7:30 बजे के आसपास रात में। तो उस समय मेरे 1,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे और 4,000 घंटे का वॉच टाइम भी हो चुका था, तो मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया। तो मुझे इतनी जल्दी पता नहीं था कि हमारा मोनेटाइजेशन इतना जल्दी एनेबल कर दिया जाएगा करीबन 7 या 8 दिन में। तो फ्रेंड्स मैंने जब देखा 19 तारीख के सुबह में, हो सकता है ये रात ही को हो गया होगा, तो सुबह मैंने देखा तो मेरा मोनेटाइजेशन इतनी एनेबल हो चुका था। मुझे काफ़ी खुशी हुई, इतनी जल्दी मेरा यूट्यूब में मोनेटाइजेशन एनेबल कर दिया। मैंने टारगेट रखा था करीबन 2 महीने में मेरा मोनेटाइजेशन एनेबल होगा, पर मेरा मोनेटाइजेशन सिर्फ और सिर्फ 8 दिनों के अंदर हो गया। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या किया था वो सेटिंग। तो फ्रेंड्स मैंने जो मैंने देखा कि मैंने मेरे चैनल में बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिनमें बहुत सारे म्यूज़िक कॉपीराइट म्यूज़िक आए थे, मतलब मैंने वीडियो के बैकग्राउंड में बहुत सारे म्यूज़िक दिए थे कॉपीराइट म्यूज़िक, तो वो सारे वीडियो मैंने डिलीट कर दिए हैं। तो अगर आपका भी चैनल आप मोनेटाइजेशन में भेजना चाहते हैं और आपका भी कोई ऐसा वीडियो है जो कॉपीराइट म्यूज़िक है इसके बैकग्राउंड में, तो आप इसे फ़ौरन डिलीट कर दीजिए। तो और फ्रेंड्स मैंने बहुत सारे वीडियो ऐसे भी थे जो इलीगल यूट्यूब के गाइडलाइन के ख़िलाफ़ थे, तो अगर आपका भी कोई ऐसा वीडियो है तो वो सब वीडियो का कॉपी आपको डिलीट कर दीजिए। अगर आपने किसी वीडियो को कॉपी करके अपने चैनल में डाल दिया है तो वही वीडियो को आप डिलीट कर दीजिए। फ्रेंड्स अगर आपकी ये तीनों चीज़ों में कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो यूट्यूब के गाइडलाइन के ख़िलाफ़ है, तो ही फ्रेंड्स आपको कोई ना कोई वीडियो को डालना चाहिए, मतलब कोई ना कोई वीडियो को आपको डिलीट कर ही देना चाहिए। फ्रेंड्स तो इससे क्या होगा, यूट्यूब में जब भी आप मोनेटाइजेशन के लिए भेजेंगे तो आपको जैसा पता होगा कि यूट्यूब का मोनेटाइजेशन वो इंसान द्वारा चेक होता है, मतलब वो कंप्यूटर द्वारा चेक नहीं होता है। तो आप जैसे ही डिलीट करेंगे तो वहाँ पर आपको शो होने लगेगा जो भी आपका मोनेटाइजेशन के लिए रिव्यू करेगा, तो वो लोग देखेंगे कि अगर आपने वीडियो डिलीट किया है तो उनके मन में ख्याल आएगा कि हाँ इस बंदे ने कुछ गलती की थी जो कि अब ये वीडियो डिलीट करके सुधार चुका है, तो उनके मन में ये आएगा अच्छे। तो इस तरह आपका मोनेटाइजेशन वो जल्दी एनेबल कर देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपने कोई वीडियो डाली है तो यूट्यूब के गाइडलाइन के ख़िलाफ़ है अगर वो वीडियो, तो आप उसे डिलीट कर दीजिए। और नहीं डाली है तो फ्रेंड्स फिर भी कोई भी वीडियो आपका ऐसा है जो उसमें बहुत कम व्यू है तो आप वो वीडियो डिलीट कर दीजिए। तो इस तरह आप यूट्यूब में मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका हो सकता है आसानी से और जल्दी यूट्यूब में मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई हो जाए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो फ्रेंड पसंद आएगी, पसंद आएगी तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने ऐसा ही यूट्यूब के रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।